मगर मेरे मित्रों, ये समाजवादी आंदोलन समाजवादी पार्टी तरीके की है कि अगर कोई भी साथी समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है। ये समाजवादियों का इतिहास है मित्रों, इसलिए हमको आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और जो उतने भी साथियों के ऊपर फटने मुकदमे इस तरीके के अन्याय अत्याचार होंगे वो सारे मुकदमे सरकार बनने के बाद वापस कर लिए जाएंगे, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। नौजवान साथियों, हम तो आपके बीच में मिलते ही रहेंगे। मैं पुनः अपनी तरफ से और चेयरमैन साहब की तरफ से आप लोगों के नियुक्ति पर दिल से हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और विश्वास रखते हैं कि आने वाले समय में आप इस जुल्मी सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। हम लोगों के लायक जो भी सेवा होगी उसको हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः भाई राजू यादव जी को, जिन्होंने अथक परिश्रम करके, मैं समझता हूँ ये पहली बार इस तरीके का नौजवान ने संगठन खड़ा किया है महानगर के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। मैं राजू यादव को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। नौजवान साथी हैं आप, आपके पास समय है, बहुत समय से आपने आगाज किया है, आने वाला समय नौजवानों ये आपका होगा, हम लोग आपके साथ रहेंगे। बहुत इसी आशा विश्वास साथ